हाँ जी, हिमाचल कहाँ से बोल रहे हो? से मतलब बोल रहा हूँ मैं। सारे जा रही है, सारे हिमाचल कहाँ, शिमला से बात कर रहे हो आप अभी? नहीं मैडम, धर्मशाला से कर रहा हूँ। तीन महीने के बाद सारे धर्मशाला से कर रहे हो? हाँ जी, लोकेशन तो शिमला की आ रखी है आपकी। पर मैम मैं धर्मशाला में हूँ। पता नहीं सर कैसे आ गई। चलो इंटर के लिए तो आपको मैं मोहाली आना होगा, आ सकते हो? मोहाली कब आना होगा मैडम? सर आप बताइए कब आ सकते हो, मंडे आ सकते हो? सर आप किसी डेट में मंडे बता सकते हैं? थोड़ा सा कमिंग बाद में ही आ मंडे, थोड़ा जाएगा, क्योंकि सा बाद में कब? हमारे को ना पास अप्लाई करना पड़ते हैं ना मैडम। आप खुद कौन सी फील्ड के लिए जॉब सर्च कर रहे हो सर? आप मैम जिसमें दिलवा देंगे मैम देखो मिल रही है। सर, टीचिंग में तो अभी तक तो कुछ नहीं है, ठीक हाँ जी है ना? ये तो टीचिंग वाले जो पहले ही जो स्कूल कॉलेज में लगे हैं जी, यही ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, हाँ जी ठीक है ना? जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, फाइलों की होती है, फाइल चार्जेस लगते हैं 1,000 रुपया। अच्छा जी, इंटरव्यू के लिए आपको मोहाली आना होगा फेज टू में। अच्छा जी। तो फेज टू कौन सा जी मैडम, इंडस्ट्री एरिया का किसका? नहीं नहीं सर, मोहाली, अच्छा मोहाली का मोहाली फेज फेज टू। टू अच्छा इसमें मोहाली सर का। आपको नहीं, हाँ जी, इसमें ये कि अमली इसमें जेसी किसकी जैसे जॉब कॉलेज में मिलेगी जॉब मैडम? नहीं करना है या हरिद्वार में? सर जॉब देखो हम सारी फील्ड में करवाते हैं, डियर डिपेंड फॉर यू कि आपको अच्छा कौन सी फील्ड में करना है। मेरे पास तो सिटिंग प्रोफाइल भी है, बिल्डिंग प्रोफाइल भी है, एज ए HR के अकॉर्डिंग भी है, स्टोर कीपर सुपरवाइजर है, डाटा एंट्री डाटा ऑपरेटर, अकाउंट्स बिलिंग कैशियर। मैम, मेरे को थोड़ा सा घूमने फिरने वाली जॉब हो जाएगी कोई? हाँ मार्केटिंग लाइन में जाना है आपको? जी, हाँ एक दिन टिक के काम नहीं कर सकते? जी, हाँ थोड़ी घूमने फिरने वाली हो जाए, थोड़ा ऐसे एक जगह बैठने वाली नहीं चाहिए, एक जगह बैठने वाली नहीं चाहिए। अच्छा घूमने जी फिरने वाली सर, फिर मार्केटिंग लाइन में हो जाएगा। डिपेंड अच्छा जी, अच्छा है कि फार्मा भी है मेरे पास मार्केटिंग लाइन में, और मेरे पास मैकेनिकल इंडस्ट्री भी है। जी, डिपेंड फॉर यू किसमें सिलेक्शन हो रही है आपकी मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा जी। तो हिमाचल में होगा मैडम कि कहाँ होगी जॉब? सर जॉब लोकेशन तो मेरे से बद्दी सोलन ले सकते हो, शिमला ले सकते हो, अच्छा जी, चंडीगढ़ मोहाली लेनी है तो यहाँ की भी हो जाएगी। अच्छा जी, नौकरी हाँ कब तक जी मिल जाएगी मैडम? सर जॉब की श्योरिटी है। अच्छा जी, हाँ जी कितने तनख्वाह तक मिलेगी मैडम? सर, सैलरी तो देखो फ्रेशर बेस पे तो सैलरी लगती है 18 से 22 के अराउंड, ठीक अच्छा, 18,000 मिल है? जाएगी मैडम? अच्छा 18,000 से 22,000 के बीच में, जी, एक्सपीरियंस हो तो सैलरी प्लस हो जाएगी। एक्सपीरियंस तो मैडम मेरे पास 10 साल का है किस चीज का है? मार्केटिंग का मैडम। मार्केटिंग का। तो सैलरी वगैरह कितनी ले रहे हो? मैम अब तो कहाँ मिल रही सैलरी, हम पहले ले रहे थे 25,000 तक। सर एक सेकंड होल्ड करना जरा। हाँ जी सर बोलो, कितनी सैलरी ले रहे थे आप पहले? 25,000 लेता था मैडम। 25,000 पहले ले रहे थे ना सर आप? हाँ अब जी, की बात बताओ कि अब कितने ले रहे थे हाँ लास्ट, जी, आजकल तो लेटेस्ट तीन कब महीने से छोड़ी बिल, है? अच्छा आजकल तो 3 महीने से बिल रहा हूँ मैडम, लॉकडाउन के बाद से। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ सर सैलरी स्लिप शो कर दो। सैलरी तो आपको मैं 35-40 के राउंड में दिलवा दूंगी, कर दोगे सैलरी स्लिप शो? जी कर दूंगा मैडम। बस फिर सर सैलरी स्लिप वगैरह ले आना, डॉक्यूमेंट ले आना पूरे अपने, अच्छा जी एड्रेस चेक कर देती हूँ। कब आ सकते मैडम, हो मोहाली आप? एक बार मैंने पहले भी 1,000 रुपये दिया था, पर मेरा हुआ नहीं था काम, पता कहाँ पे दिया था सर? नहीं ऐसे ही फोन आया था किसी मैडम का ही, तो सर पता नहीं कौन सी मैडम के पास किया था, मेरे को तो पता नहीं है। रिशा, मैं तो आपको भी नहीं, मेरे को नाम, आपका नाम क्या है? उनका अच्छा जी, अब क्या नाम था नाम तो मेरे को याद नहीं रहा यार मैडम, काफी टाइम फिर? मिल गया। तो सर मैं तो अपना नाम बता रही हूँ, तो आपने पेमेंट वगैरह किसको करी है तो उसका अपने नाम वगैरह कुछ नहीं मेरे को पूछा वहाँ उससे? आके कैसे? पेमेंट करना पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगी मैडम? पेमेंट जी कैसे होगी, मतलब इंटरव्यू तो भी होगा जब मैं पेमेंट दूंगा या? हाँ बिल्कुल सर, जैसे आप जी, आते हो ना सर, फाइल लॉग इन करवाते हो, ठीक अच्छा है, 10-15 मिनट में रिपोर्टिंग के साथ आपको लेटर क्लियर होता है। लेटर जी, लेके ही आपकी एंट्री होती है कंपनी में, बिना लेटर के तो एंट्री नहीं होगी कंपनी में। अच्छा जी, तो जी मैं हिमाचल में कौन सी कंपनी में हो जाएगी मैडम मेरी मार्केटिंग में? सर ये तो देखो आपकी फाइल पे डिपेंड है ना कि आपकी क्वालिफिकेशन, आप कौन सी कंपनी में कर रहे थे, कैसा वर्क था आपका, वो तो आप अगर तो आओगे फिर तो आपको HR मैम क्लियर कर देंगे। हाँ अगर अपना मेरे को CV सेंड कर सकते हो कंपनी के व्हाट्सएप पे, तब मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ कि सर मार्केटिंग में इसमें हो जाएगा आपका। क्यों मैडम आप अपना पर्सनल नहीं दे सकते, मैं आपको पर्सनल में चैट करके कर दूं, सर पर्सनल में क्या है, ये भी तो पर्सनल नंबर है ये व्हाट्सएप का नंबर है मैडम, फिर सर। व्हाट्सएप का नंबर नहीं है ये, ऑफिशियल नंबर है ये। व्हाट्सएप ऐसे कैसे कभी करेगा? सर व्हाट्सएप तो फिर मैं कंपनी का ही दूंगी ना, मैं अपना थोड़ी दूंगी। अच्छा चलो मैडम, फिर मेरी कर दो अपॉइंटमेंट, मैं कब आऊँ?
आप बताओ कब आ सकते हो, कमिंग मंडे कर सकते हो विजिट परसों? परसों तो मैडम हमारे को ना पास बनवाना पड़ता है, आपको पता है कोरोना चल रहा है बहुत ज्यादा। ओ सर इतना भी नहीं है जितना आप लोगों ने बना दिया। अच्छा और क्या सर, कुछ ओपन है सर? ओपन तो है मैडम, यहाँ पे एंट्री नहीं है बिना पास की, तो सरकार बोल रही है हमारी हिमाचल की एंट्री नहीं है, अलाउड ही नहीं है। चलो आप देखो फिर आपने कब आना, मैं आपको कॉल कब करूंगी ये बताओ। मैम मुझे आप शाम को कॉल कर लो, मैं आज पास अप्लाई करता हूँ, अगर परसों का मिल जाता है तो मेरे को तो ठीक है। शाम को शाम को कितने बजे कॉल करूँ? 5 बजे मैडम। 5 बजे? हाँ जी ठीक है, मैं आपको 5 बजे कॉल करती हूँ। ठीक है मैडम, कहीं ऐसा ना हो कहीं कॉल ही ना उठाओ। नहीं नहीं मैडम मैं कॉल उठाऊंगा ऐसा नहीं। चलो मैं आपको अपना वेन्यू टेक्स्ट कर देती हूँ। हाँ क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा जरूरत है नौकरी की, क्योंकि सर अक्सर यही सुना ना कि हिमाचल जो शिमला वाले होते हैं ना ये बातें ज्यादा करते हैं और काम तो करते ही नहीं है, ये आते उतते है नहीं, नारा लगा देते हैं। ऐसा तो नहीं है, हिमाचल के लोगों को तो बोलते हैं कि हिमाचल के लोग मेहनती बहुत होते हैं। सर मेहनती तो सारे होते हैं, पेट के लिए तो हर कोई मेहनत करता है। वही है मैडम हमारे को तो नौकरी की जरूरत है इस टाइम, हम तो बिल्ले हो गए, बड़े परेशान हो गए। तो अपनी सरकार को वोट मत डालना बीजेपी को, ठीक है? किसको डालने फिर? कुछ नहीं, किसने कुछ कुछ नहीं करना कुरना सर। हाँ जी नोटा तो सर, नोटा का बटन दबाओ, आने वाले टाइम में कोई भी नहीं खड़ा होएगा इनमें से। खड़े तो कोई ना कोई होगा, अगर नोटा का दबाऊं कोई और पार्टी जीत जाएगी तो क्या हो गया सर? आपको तो सब रहेगा ना, मैंने सर किसी को भी नहीं डाली वोट। हाँ ये तो सही बात है, है ना? आपके वहाँ कैसा हालात है वहाँ? ठीक है मैडम यहाँ पे सर ठीक है, चली जा रहा है अब तो, ये चलते हुए भी ऐसा लगता है कि इसको तो नहीं कोरोना कहीं। अच्छा ऐसा फील होता है, दिक्कत तो वही फंस रही है अब हम यहाँ। तो सर अब मेरी बात सुनो सर, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कईयों को तो कोरोना आके भी चले गया सर, पता भी नहीं लगा ना सरकार को ना लोगों को। हाँ जी हाँ जी, और जिसको हल्की सी भी दर्द होती है उसको भी बोल देते हैं कोरोना है। हाँ वो तो है ही है मैडम, आपके उधर नहीं ज्यादा? चंडीगढ़ में तो बहुत ज्यादा है सर, कुछ नहीं है ऐसा, डेली आते जाते हैं सर। इतना ज्यादा धमाका हो गया, ऐसा हो गया, वह हो गया, पता नहीं सर कहाँ कहाँ धमाके होते हैं, पूछो ना आप। चलो मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ, मेरे को एक बार पास अप्लाई करके कॉल कर दो आप। ठीक है मैडम जी, ठीक है मैडम ठीक ठीक है सर। ओके ओके।